ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल छोटी मोरालिस ब्लॉग। आज हो गया 4 दिन यहाँ पे होटल में संतोष ऑफिस के लिए निकला हुआ है और आज वेदर इतना ठंड कूल कूल है तो चाय लेके आए और मैं पी रही हूँ चाय होटल के बाहर ही। और हम लोग का रूम साफ हो रहा है, अभी से सो रही है, मतलब वहाँ पे बाहर एक लड़का खड़ा हुआ है अंदर डीजी साफ कर रहे, तो मैंने सोचा बाहर ही आ जाओ, संतोष भी बोला बाहर आ जाओ। और ये रहा, ये पंडाल अभी तक निकाला नहीं, शादी तो ख़त्म हो चुका है या किसी और का है पता नहीं, तो कोई भी हो संतोष जाएगा ऑफिस के लिए। अभी श्री सो रही है, मैं अभी थोड़ा सा करूँगी सूर्य नमस्कार आसन, क्योंकि ना ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है और प्लस मतलब यहाँ पे तो कुछ काम धाम तो है नहीं। अभी दीदी आके घर झाड़ू पोछा सब लगा के गई है तो मैंने भी बाहर से आ गया, बाहर बारिश हो रही थी और संतोष लोग भी निकल गए शायद, मैं जब आ गई थी तब तक वो लोग नहीं निकले थे तो शायद अभी तक निकल गए होंगे। बाहर का वेदर एक बार दिखा देती हूँ, तो मस्त हवा चल रहे है, देखिए मस्त हवा चल रही है और बारिश हुआ था, अभी बारिश शायद बंद हो गया है लेकिन मैं जब बाहर थी तब बारिश हो रहा था। अभी कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा योगा और उसके बाद संतोष कुछ कुछ एप्पल वेप्पल ला के रख के गया और ब्रेकफास्ट के लिए भैया को बोला हुआ है, वो ला के देगा, पहले योगा करके उसके बाद आप लोगों को मिलती है। एक्सरसाइज एक्चुअली नहीं, थोड़ा सा करती हूँ ताकि थोड़ा सा मतलब रिलैक्स मिले, क्योंकि दिन भर रूम के अंदर रहना, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं, कुछ काम नहीं है, ऐसा होने से दिन भर के लिए थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है। हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होती हूँ, अभी जैसे कपड़ा भी धो के रखा है वो भी ऊपर देने के लिए जाना है, लेकिन ऐसा नॉर्मल कुछ तो चलना वलना इतना भी काम नहीं होता है, तो मैंने सबसे थोड़ा बहुत कर लेती हूँ तो मतलब अच्छा लगेगा, तो कल से स्टार्ट किया। अभी देखती हूँ यहाँ जितना दिन रहना पड़ेगा उतना दिन अगर करूँगी तो मेरा हेल्थ भी अच्छा होगा ना, तो इसलिए मैं कर लेती हूँ। और अच्छी सोई है उस वक्त ट्रेन जा रहे हैं तो इसलिए इतना ज़्यादा आवाज़ हो रहा है। अभी देखती हूँ क्या करेंगे क्या ना करेंगे, आप लोग को दिखाऊँगी वो सब, मेरा होटल का लाइफ चल रहा है आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी और ऐसे ही जा रहा है। और होटल अभी कितना दिन और ढूंढना पड़ेगा पता नहीं, 24 को शायद वहाँ से सामान आएगा, 28 29 को मतलब इस महीना लास्ट तक तो सामान आ जाना चाहिए, तब तक हमने रूम ढूंढ लेना है। तो रूम में जाने से थोड़ा बहुत काम फिर से स्टार्ट होगा, जैसे खाना बनाना कुछ करना, घर सफाई ये सब, यहाँ तो दीदी आती है वही कर लेती है। तो अभी देखते हैं कैसा रूम मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे रहेगा, सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग व्लॉग देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखते रहिएगा, बस इतना ही। यहाँ मैं अभी लोग देख देख के एप्पल खा रही हूँ और वीडियो भी एडिट कर रही हूँ, जो पुराना वीडियो है वो सब अभी डाल रही हूँ, क्योंकि हर दिन एक एक व्लॉग तो डाल ही रही हूँ, पता नहीं ये यूट्यूब कब मेरा व्लॉग्स को थोड़ा इम्प्रेशन भेजेगा और कब वायरल होगा, कब मेरा चैनल मोनिटाइज होगा मुझे भी पता नहीं, बट मैं डाल रही हूँ, मेरा काम मैं कर रही हूँ, बाकी और मोनिटाइजेशन का यूट्यूब का अभी यूट्यूब ही जाने। तो अभी खा रही हूँ एप्पल और वही, उसके बाद अभी वो लोग भी देख रहे हो, लेकिन क्या करो लोग देखते देखते कोई टॉयलेट करके चले जाते इस तरफ, मतलब इस तरफ भी पोंड है उस तरफ भी खाली है, तो लोग यस यहाँ पे टॉयलेट वॉयलेट भी करके जा रहे, तो मैं जब टॉयलेट करते तो नीचे देख लेती हूँ जो ऐसे जा रहे हैं तो मैं देख रही हूँ। और अभी श्री भी सो रही है, अभी टाइम हो गया आप लोगों का 10 बज चुका है, अभी श्री अभी तक सो रही है क्योंकि कल रात को सोते सोते हम दोनों को 2:30 बज गया था, ऐसे ही मोबाइल देख रहे थे तो नींद नहीं आ रहा था, तो हम दोनों ऐसे, और मैं भी कैमरा का थोड़ा बहुत, अभी आप लोगों को शायद अलग लग रहा होगा पहले का क्वालिटी अभी का क्वालिटी, मतलब थोड़ा बहुत ये सब कर रही हूँ, मतलब ऐसे ही एक्सप्लोर मतलब मोबाइल के साथ, तो ये सब करते करते बहुत टाइम हो गया,
अभी एप्पल खा रही हूँ और यहाँ पे लोग शायद अभी ट्रेन आएगा, पूरा भर चुके हैं यहाँ पे, तो लोग जा रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं। बिहार के बारे में जितना सुना था उससे तो अच्छा ही जैसा लग रहा है, इतना बुरा नहीं लग रहा। मैं ज़्यादा बकबक कर रही हूँ तो आप लोग आगे आगे देखते जाइए, ज़्यादा बकबक भी आप लोगों को पसंद नहीं है शायद। आगे डेरिया भैया आज लेके आए हैं छोले लिट्टी और जीरा राइस। क्या चाहिए बेटू? मम्मा चाहिए इसको। ये हो गया जीरा राइस ऐसा लगता है जैसा सच में पूरा खा लेगी, ऐसा दिखाती है एकदम। तो मैं निकाल के देती हूँ, रुको। आज जीरा राइस थोड़ा ज़्यादा मंगवाया है क्योंकि आज मैं भी खाऊंगी। आज वो नहीं था क्या, कचौड़े छोले नहीं था बोला है, आज लेके आए हैं लिट्टी छोले, तो इसलिए लिट्टी छोले के साथ ये भी मैं भी खाऊंगी आज। मैं खा रही हूँ अभी लिट्टी छोले और जीरा राइस। वाह यम्मी, मतलब ये लिट्टी चोखा लिट्टी 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 सुनते आ रही थी लेकिन यहाँ आके खाया ना बड़ा मस्त लगता है। आजा कपड़ा देख लिया था, आजा चलो चलो। दोनों अभी ऐसे ही निकल के आए हैं, थोड़ा सा बाहर का हवलियत देखने के लिए। हम तो निकलते ही नहीं है नॉर्मली, ऑब्वियसली मुझे खींच खींच के लेके आई है। हम गए थे ऊपर कपड़ा देने के लिए, ऊपर कपड़ा दे के डायरेक्ट आए हैं नीचे। हम दोनों थोड़ा सा घूम के आ गए और अभी अभिश्री पी रही है, क्या पी रही है अभिश्री? जूस, अभिश्री जूस पी रही है, स्लाइस, ये जूस है, फ्रूट जूस। यस ओके, ये फ्रूट जूस है, ये इसको खा के ख़त्म, इसको ऐसा करके। आजकल ये ना उसका नहीं, प्लास्टिक का नहीं होता है ना, आजकल ये कागज़ का होता है, पूरा चबा चुभी के यहाँ पे ऐसा कर दिया, अभी निकलता ही नहीं, अभी ऐसे पी ली। ची देखो कैसे हंसी, कल बाल काट दिया ना, अब देखिए आंख में नहीं आ रहा, नहीं तो कितनी कितने प्रॉब्लम हुए थे बिचारी को। जा कहने को, ये कोका कोला है, पेप्सी है, पीने के बाद गैस बाहर होगा, करने से गैस बाहर होगा तुम्हारा। देखो 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 देखो, बमासी को देखो, बमासी को देखो, बमासी देखो। सुबह करती हूँ योगा क्योंकि मुझे लगता है मैं मोटी हो गई, और जब शाम होता है तब मैं खाती हूँ काजू कतली बिस्किट, सब मीठा मीठा मीठा, कोई नहीं खाता है। चॉकलेट खाया, काजू कतली खाया, बिस्किट खाया, सब मीठा मैं ही खा रही हूँ। और सुबह सुबह करूँगी एकदम, सुबह करूँगी और शाम होते ये सब बिस्किट ओरियो, मेरी बेटी नहीं खाते, खाको काजू कतली, ये बोर हो चुकी है नहीं खाते, मैं खाती हूँ। और उसको देखा, ओ मेरे जैसा कोई उल्लू होगा क्या, फ्रंट कैमरा ऑन करके बैक कैमरा में बात कर रही हूँ। अभी ये देखिए, मैं हम दोनों ने खाया ऑरेंज, इसको बोला थोड़ा एक काजू कतली खाओ, इसके लिए लाई थी, देखो नहीं खाया, मैं खा रही हूँ। जा कितना मोटा होगा, होते रहने दो, कितने मोटे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ये सब निकल रहा है डबल चिन। सुबह का जीरा राइस थोड़ा सा बचा के रखी थी ताकि अभी शाम को खा सके, क्योंकि संतोष आते रहे ना लेट हो जाता है और हमने 12 बजे खाना खा लेते तो उसके बाद भूख भूख भी लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा बचा के रख दिया था, जो कुमू और मैं दोनों थोड़ा थोड़ा दो तीन चम्मच करके खा लेंगे। मैं तो उल्टा पुल्टा खा ही रही हूँ, ये नहीं खा रही है ना, तो इसलिए इसको खिला देती हूँ थोड़ा सा, तो इसके भी थोड़ा बहुत ये रहेगा, तो 9 बजे तक संतोष आते आने के टाइम तक वो आराम से रह पाएगी।
गया एक्चुअली संतोष आज घर पे नहीं खाएगा, वो ऑफिस का किसी का बच्चा पैदा हुआ ना क्या, तो वहाँ पे उन लोगों को खाने के लिए बुलाया, तो हम लोगों का खाना अभिषेक के लिए मंगवाया है डोसा, और मैं खाऊंगी आलू की सब्जी आया है, और क्या क्या आया पता नहीं, क्या क्या लेके आया सब कुछ देखते हैं, उसके बाद खा ही लेते हैं गर्मा गर्म ठंड होने से, और क्या खाएंगे तो खा लेते हैं, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये रहा दाल, ये सैलड, ये हो गया आलू फ्राई, उसके बाद ये हो गया इसके लिए जो डोसा लाया था ना, डोसा का ये सब्ज़ी पनीर और आलू की सब्ज़ी, उसके बाद ये पता नहीं क्या सब्ज़ी है अचार। बस इतना ही, अभी मैं खा लेती हूँ पहले, ये पता नहीं क्या सब्ज़ी लिया है, इसमें तो आलू ही आलू, आलू सस्ता है इसीलिए इतना आलू लेते हैं क्या, दुनिया भर आलू ही आलू है। अच्छा है, ये टेबल ला के दिया तुम्हें, ओए टेबल ला के दिया, टेबल में देखो, टेबल में रखो मोबाइल, आज पापा क्या लाया तुम्हारे लिए, टेबल लाया, अयो अयो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, संतोष आ गया बहुत लेट हो गया, एक टेबल लेके आया इसके लिए और एक चेयर लेके आया जिसको मैंने हड़प लिया, उसके बाद आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हाँ और दो ऐसा दिन दिन और ये एक दिन दिन, ये दोनों देखे आया, बाय बाय, फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, मेरा होटल का जाना आप लोगों को देखने को मिलता रहेगा।